19 अगस्त की मध्य रात्रि में कस्बा पिटोल में जगदीश भरद्वाल की चांदी की दुकान से रात में कोई अज्ञात बदमाशों के द्वारा पीछे से खिड़की तोड़कर दुकान में घुसकर चांदी के जेवर चुरा कर ले गए थे, जिस पर थाना कोतवाली झाबुआ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पिटोल ज्वेलर्स की दुकान में हुई उक्त नकबजनी की वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पदम विलोचन शुक्ल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुरवे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ, फिंगरप्रिंट अधिकारी डॉक स्कॉट एवं टेक्निकल टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष पुलिस टीमों का गठन किया जाकर घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतारसी हेतु साइंटिफिक एवं टेक्निकल आधार का उपयोग करते हुए और साथ ही अपने विश्वसनीय मुखबिरों को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से नकदी 35,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त एक कटर मशीन, एक पैचकश, एक लोहे का सरिया संबल जब्त किया गया। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक 18-19 तारीख की दरमियानी रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कुछ बदमाशों द्वारा एक सुनार, एक जो है उनकी ज्वेलर्स की दुकान पर नकबजनी की घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना हमें 19 तारीख को सुबह प्राप्त हुई थी। और सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और हमारी पूरी जो टेक्निकल टीम है, हमारी जो साइबर की टीम है, सभी ने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत बदमाशों की पतारसी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई और टीम के द्वारा लगातार पिछले 3-4 दिवस से कार्रवाई करते हुए बदमाशों को चिन्हित किया गया, उनकी पतारसी करने में सफलता हासिल की गई और साथ में हमारे द्वारा दो बदमाशों को अभी गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।